हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जा रही हूँ मैं अपने घर, यानी मायके गुड़गांव। मम्मी आ रही है और आज है रिशु का बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, तो उसके लिए भी जा रही हूँ। वहाँ केक कटिंग करेंगे। मम्मी आ रही है गांव से। प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रॉब्लम हो गई है कमर में, बैक पेन हो रहा है उसका, इसलिए उसको आना पड़ा वहाँ से अर्जेंट में। तो आते ही वो जाएगी डॉक्टर के पास दिखाने, रिशु लेकर जाएगा। बाकी मैं ऑफिस से रिटर्न होंगी वहाँ के लिए, तो वहाँ पे केक कटिंग करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे रिशु का बर्थडे। बाकी मैं पैक कर रही हूँ अपना सारा सामान, तो और कुछ नहीं ले जा रही है, वाले बैग में लेके जाऊँगी। मेरा लैपटॉप बैग तो है ही, ये एक पीस रख लिया है, मंडे वहाँ ही से ऑफिस जाऊँगी। और ये वाला जो फैब्रिक है, ये मैंने ऑफिस में जो सेल लगी थी वहाँ से लिया था, तो जा रही हूँ अब इसको देने स्ट्रिचिंग करने के लिए। वहाँ पे एक दीदी हैं, बहुत अच्छा स्ट्रिच करती हैं, इधर का तो मुझे आइडिया नहीं है, तो उनके पास ही लेके जाऊंगी और दे दूंगी। रक्षाबंधन तक तो रेडी हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे रक्षाबंधन में पहनना है ये, होपफुली रेडी हो जाए। मेरा तो हो गया ना रेडी, 3 दिन बाद आऊंगी घर में, ठीक है? कोई फर्क ही नहीं है भागते डर के। कार हो गई हो कहरवा तुम एकदम बेकार है ना मिंकुआ। बदल देते हैं। हाँ, चेंज कर देते हैं, वो दूसरा कुछ लेके आते हैं इनके बदले। छोड़ा नीचे बाद में पार्किंग में। हाँ, एक्सचेंज ऑफर ना, मास्क देखो, इतना हेल्दी फूड। चलो किया करो, बाय बाय। इतने दिन से छुपकली उधर ही आती, छुपकली बच्चों से छुपकली से डर रहे हो। चलो बाय, जल्दी आओ मिंकू। आज घर जाऊंगी ना, तो ये वाला बैग लेके जाऊंगी। इधर से कहाँ जा रहे हो? लंच वाला बैग नहीं लाई, ये वाला बैग में डाला है। हाँ, तुम्हारा भारी है, मेरे में मेरा। 7044 कॉल कर लो, फिर रुकेगा भी नहीं। 23-20 तो यहीं कर दिए तुमने, जल्दी जाओ, घर जा रही हो। तीनों का तीनों बीमार हो गए, मम्मी को बैक पेन है। सलोनी वो कह रही है 6:30 बजे निकलेंगे, वो नीचे घूम रही हो। शैलजा सलोनी का वेट कर रहे हैं, इतना आवाज कर रहे हैं यार, बोलने के नहीं देंगे देखो, लेकिन जानने से कर रहे हैं। सलोनी हमें सिकंदरपुर तक ड्रॉप करेगी, वहाँ से हम अपने अपने घर जाएंगे अरविंद भैया के साथ, सलोनी के भैया, ड्राइवर भैया। मैं जा रही हूँ गुड़गांव का, और रिशु का बर्थडे है, शैलजा जाएगी अपने ससुराल, तो कल 2 दिन की छुट्टी है। हाँ, मैं रख देती हूँ ना ये, इसके कहाँ रखते हैं।
लैपटॉप बैग पर्सनल स्पीकर बाय बाय। सो यू मेरे ब्लॉग में नहीं देखती तो देखती रहेगी नहीं आंटी बोलती है तो उसके ब्लॉग में नहीं दिखती, इसका मतलब तू ऑफिस नहीं गई या बीमार है। पैक कर दो, क्या है ये फ्लेवर? हाँ जी कर दो। आ गए घर, बहुत लेट हो गया आने में, मुझे तो 8:30 हो गया। केक कटिंग कब करेंगे? तीनों का तीनों बीमार है घर, मम्मी रितु रिशु। रिशु को चोट लग गया, मम्मी का बैक पेन, रितु का फीवर। कोई नहीं है क्या घर में? मरने वाली हो तुम? बीमार हूँ। कहाँ है रिशु? सब बीमार हैं। ये बीमार, ये बीमार। हैप्पी बर्थडे रिशु, सो रहे हो? चोट लग गया, बर्थडे गिर गया है? नहीं वो ऐसे फिक्स नहीं हुआ ना। मम्मी आ जाओ, ये तुम्हारा चाकू, ये लो। आ जाओ मम्मी, बेचारी मम्मी कुर्सी बैठोगी? हाँ नया है, उधर देखो ना, बड़ा सुंदर आ रहा तुम्हारा फोटो। हैप्पी बर्थडे बोलो भाई, मम्मी परेशान हो रही है। पहले ही मम्मी शुरू हो गई, हैप्पी बर्थडे टू यू, काटा ही नहीं टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये। और सब शांत शांत है। एक मरीज दूसरे मरीज की सेवा करते हुए आना नहीं रिशु। सबके सब मरीज हो गए आज घर में। तुम्हारा बर्थडे नहीं, उसका बर्थडे है। खिलाते हैं सुबह तुमको, हम भी तुमको खिलाते हैं बढ़िया वाला। लो सब कुछ मंगा लिया खाने को, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है। जा रहे कोल्ड ड्रिंक लेने, बेचारी रितु बीमार हो चुकी है। ले लिया कोल्ड ड्रिंक है। इस वक्त पेट में भी दर्द हो रहा है, परेशान हो रही है। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा खा के मस्त रहना। दो चीज लग गया इधर देखना। ये क्या हो गया है? ये तो सही है, कोई नहीं उसको ऐसे खींच के बराबर नहीं होगा, नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, उठा लो एक स्लाइस। इतना खाली पेट खुश हो गया हमारा। और मम्मी को पसंद नहीं है, मम्मी को नहीं पसंद है फास्ट फूड, तो कह रही नहीं खाना। बट हमने इसको रिक्वेस्ट कर की एक एक टेस्ट कर लो, एक बाइट खा के देखो कैसा लग रहा है।
रितुआ को ज्यादा ही खाना है कुछ, बीमार हो फिर भी खा। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया हमारा, खाना पीना डन हो गया, हम जा रहे हैं सोने। सब लोग बीमार हैं तो सबको रेस्ट चाहिए, इसलिए सो रहे हैं। सुनने से पहले गुड नाइट बोलते हैं आप लोग को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।